Hey, what's up, guys? हम हैं आपके जुड़वा सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, बात ऐसी है कि हम लोग दोनों सोच रहे थे कि गुरदास मान जी का बहुत बहुत टाइम हो गया, हम लोगों ने दिलदा मामला डाला था बहुत पहले, दिलदा मामला है वो गाना डाला, उसके बाद की बनू दुनिया दा डाला था जो ब्लॉक हो गया। अगर आपको देखना है तो आप जरूर IGTV में जाके देखो, हमारे इंस्टाग्राम में, और उसमें फॉलो भी कर देना। तो हमारी इच्छा हो गई यार, आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट हमको पता है, वो एक एक करके पूरी होगी, बट आज हमारी इच्छा हो गई कि गुरदास मान जी को सुनते। तो हम सर्च कर रहे थे, ये वाला पंजाब सॉन्ग हमको मिला है, हम लोगों ने अब तक सुना नहीं है, इसको 3 साल हो गए गाने को, तो आज सुनते हैं। और पता नहीं क्या इसमें स्टोरी है क्या नहीं है कि नहीं, देख लेते हैं। और मुझे लगता है जतिंदर शाह जी का म्यूजिक है जिन्होंने की बनू दुनिया दा बनाया था। बिल्कुल हाँ, तो आप जरूर म्यूजिक, हाँ, तो आप जरूर हमारे IGTV में जाके की बनू दुनिया दा देखो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, क्योंकि आप इतना सपोर्ट रखते हो उसमें ही हमारे बहुत अच्छा लगता है, हमारा इधर हौसला बढ़ता है, और कुछ नहीं यार। तो बस सपोर्ट रखो और प्यार रखो, और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ठीक है? ठीक है, और इधर भी तो सब्सक्राइब करना, देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, और ऐसे सजेशन देते रहो, हम लोग आपकी हर एक रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। ठीक है, तो हमने सोचा कि यार आज ये गाना करते हैं, है ना, गुरदास मान साहब का। तो चलो लगा दे सुशांत भाई, है ना। हाँ चालू कर, म्यूजिक है 1917 पंजाब, पंजाब। वाओ, नाइस फॉली यार, बहुत अच्छा है, क्लियर एकदम, बहुत क्लियर। ये सुबह सुबह का सीन है, एकदम एकदम सुबह सुबह का है, और कितना प्यारा दिख रहा है पंजाब में, बहुत अच्छा है। ये सब देखना है यार मेरे को, पंजाब में रहना है मेरे को, जाएंगे जाएंगे जरूर जाएंगे। पक्तिया, ये तो मान साहब का आवाज है। तुसी उठे? अरे वाह, तुसी इत्थे भी? वक्त हर जगह होंदा है, पर तू दस इत्थे हर रोज सवेरे सवेरे की करना होना? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਵਕਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਅਖਾੜਾ। ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਦੇ, ਛੋਟਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਛੋਟੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਓ, ਓਕੇ। पंजाब 2017, ओके ओके, बहुत अच्छी स्टोरी रहेगी मेरे हिसाब से। केड़ा केड़ा दुख दसा मैं पंजाब दा, फुल मुरझाया पिया है गुलाब दा। अच्छा, केड़ा केड़ा दुख दसा मैं पंजाब दा, फुल मुरझाया पिया है गुलाब दा। सुक गईयां जड़ां मुरझाइयां टाणियां, सुक गईयां जड़ां मुरझाइयां टाणियां, सुख गया जब मुरझाया झाड़िया, झाड़िया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है गाइस, अगर हमको नहीं समझा तो आपको पूछ लेंगे, आप कमेंट में बता देना हमको। सुख गया जड़ा मुरझाइया टाणिया, छेती की ते मैं थों दसियां नहीं जानिया, लड़की के पीछे छेती की ते मैं थों दसियां नहीं जानिया। हर पासे नशे दी हनेरी चुल गई, हर पासे नशे दी हनेरी चुल गई, बड़िया दलेरा नू दलेरी भुल गई। वो स्टेरॉइड ले रहा था ना, वो एक इसमें वो लड़की को पकड़ा है, ठीक है,
एक एक सीन में उसने ये इसको मारपीटी चालू है, एक इसमें वो बॉडी बना रहा बट स्टेरॉइड वो इंजेक्शन लगा दिया, वो नशे का ही होगा शायद, या चलो देखते देखते इंजेक्शन वाला ये, और दूसरे इसमें ये दिखाया भाई। बहुत अच्छा मैसेज दिखा रहे हैं गुरदास मान साहब तो मैसेज बहुत अच्छा यार। सबसे पहले अपन ये बात बोलना भूल गए, हाँ अपन गुरदास मान जी के बारे में बोल दिए पर वो लेजेंड के बारे में अपने उनको नमन ही नहीं किया कि भाई अपन बस बोल दिए, समझ रहा क्या? हाँ गुरदास मान जी कितने लेजेंड है यार, हम लोग बचपन में सुनते रहे। अपन ने आगे अपने के इसके पहले जो वीडियोज है ना उसमें अगर वो आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता है गुरदास मान साहब के हम इतने बड़े बोले तो हम बोल भी नहीं सकते यार, बोल क्या बोलेंगे यार। ये भी मेरे को नाम लेने को भी ये होता है, मैं इतना इतना बड़ा उनका ये हूँ लाइक फैन हूँ, उनको भी मिलने की चाह है मेरी, मैं दिली तमन्ना है मेरी हाँ सच में बताऊँ मेरी दिली तमन्ना है गुरदास मान साहब को मिलने की। हाँ। और वडाली ब्रदर्स हाँ उनको बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा मिलने की मैं पैर छूना चाहता हूँ। ये है कि सबको तो मिल लेंगे, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, जितने सेलिब्रिटीज हैं अपने पंजाब के उनको तो मिल ही लेंगे, बट को ये एक सिर्फ मेरा एक लेजेंड है, ये एक फोटो है मेरे पप्पा के साथ गुरदास मान जी का, उसमें देखा था मैंने क्योंकि मेरे पप्पा बैकग्राउंड डांसर्स थे उनके, हम लोग छोटे थे, हम लोग पैदा भी होने के थे शायद, है ना, तब वो उनके साथ डांस करते थे, एक दो शोज किए उन्होंने। तो चलो सुनते हैं। बिल्कुल 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 ਪੁਲੇ ਸਤਕਾਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੀ ਉਡਾਉਣ ਖਿੱਲੀ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਬਦਲੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਲੀ 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 ਜੀ ਔਰ ਅੱਪਾ ਮੇਰਿਆ ਬਾਪਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ 1931 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਤਾਰੋਗੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਬਤਾ ਰਹੇ ਤੂਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਾ ਥਾ ਜੋ ਸੋਚਾ ਥਾ ਵੋ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे अगर मैं गलत होगा तो आप जरूर कमेंट में मेरे को सही करना है गाइस अगर मैं गलत होगा तो नशे में ये वो सब कुछ दिखाई कि अभी मतलब भगत सिंह आपने जो सपना देखा था हाँ। आपके पंजाब का वो पंजाब नहीं रहा वो इंडिया नहीं रहा इंडिया का इंडिया पूरा हाँ, इंडिया मतलब इंडिया हाँ पूरा हाँ मतलब पूरा इंडिया भाई बहुत अच्छा गाना मैं लेट क्यों होगा ये गाने के लिए मुझे पता नहीं हम लेट क्यों हुए बहुत तगड़ा गाना यार बहुत तगड़ा गाना से लेके कंपोजिशन से लेके वीडियो से लेके क्या बोलूं आपको यार लिरिक्स तो बहुत अच्छी लिखी गई है लिरिक्स बहुत तीज खतरनाक बहुत तगड़ा है यार मैं सोचने में ये लग गया था कि यार भगत सिंह नहीं बच सकता नहीं नहीं भगत सिंह कोई नहीं बन सकता कोई नहीं वो कोई नहीं बन सकता उन्होंने जो वो टाइम पे इतने कम उम्र में वो फांसी पे चढ़ गए थे बहुत अच्छा दिखाया है बहुत अच्छा बोले तो लग गई ये बात उसमें फ्लैशबैक में हो गया भगत सिंह वही फिर लास्ट में एकदम से ये सीन आया एकदम से यार ये तो बहुत ज्यादा गहरा था यार ये बोले तो सोच में पड़ गया यार मैं सभी को बोलता हूँ नशा वशा मत करो यार मत करो करो आपकी लाइफ है जो आपकी लाइफ है करो पर नेगेटिव मत करो जो भी वो है। वाला वो जो फेज जो इधर दिखा है वो फेज मत वो वाला पार्ट मत आने दो आपकी लाइफ है आप हम तो सब लोग करते हैं सब लोग करते हैं नशा ऐसा कोई नहीं है कि ये नहीं मैं वो वाला नशा है वो जो अभी दिख रहे इंजेक्शन वो लगा रहे वो क्या क्या कर रहे थे ये लड़कियों की रिस्पेक्ट करो सब नहीं की रिस्पेक्ट करो लड़कियों की नहीं जो जिस मतलब क्या बोलूं मैं लड़कियों के नहीं सबकी रिस्पेक्ट करो एक्चुअली ये एसिड विसिड वाला सीन दिखा दिया नहीं क्या सब थोड़ा रेप मत करो और ये करो जो करना है करो आपकी खुद की लाइफ है बट लिमिट में आपको ही समझ होनी चाहिए आपको ही खुद को समझ होनी चाहिए कि क्या मेरे को क्या करने का है मेरी क्या लिमिट है मेरे को किधर तक मेरी फैमिली भी है मेरे मम्मी पापा भी है बहनें भी है मेरे घर पे या आप किसी के शादीशुदा है तो बच्चे भी है वाइफ भी है घर पे तो उनका भी ख्याल रख के थोड़ा यार ध्यान दो यार बहुत तगड़ा गाना मत करो ऐसा तगड़ा गाना था बहुत तगड़ा गाना था गुरदास मान साहब वी लव यू लेजेंड है लेजेंड रहेंगे यार तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना और ऐसे सजेशन देते रहना भाई मैं थोड़ा टेक्निकल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं स्पीचलेस हो गया हूँ ये गाना लेके क्योंकि ऐसा चल रहा है सीरियसली ऐसा चल रहा है क्या है भाई मैं मान साहब के गाने पे मैं ये बोलूं कुछ कि ये ऐसा था वो मेरी क्या औकात है अच्छा क्या औकात है ये गाने के बारे में मैं बोलूं मान साहब के गाने के बारे में बोले बिल्कुल नहीं यार हो ही नहीं सकता चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान पैसा na 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 na